हेलो नमस्कार हाँ नमस्कार। सर, मेरा नाम अशोक गणगिर है। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। हाँ ठीक है सर। सर, मैंने अभी सर्विस मेरा हो गया, मतलब 11 साल में मैं सर्विस छोड़ रहा हूँ। ठीक ठीक है सर। है, हाँ, अभी हमारा जो भी पैसा है उसको मैं रिफंड करना चाहता हूँ, उसको कैसा करना पड़ेगा? जो भी पैसा है वो पूरा रिफंड नहीं होता। हाँ हाँ, उसमें से कुछ पोर्शन पेंशन में जाता है, नहीं, वो पेंशन आपको कंपलसरीली पेंशन परचेज करना होता है। नहीं सर, पेंशन नहीं चाहना मैं। नहीं, आपके चाहने से नहीं होता। एनपीएस का जो फंड है ना, उसमें सिस्टम ऐसा ही है कि पेंशन इज कंपलसरी, तो पेंशन कब से चालू होगा सर वो? इमीडिएटली चालू होगा। आपको एक फॉर्म भर के देना होता है, तो हाँ, जब आपका फॉर्म आएगा इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से पेंशन आ जाएगा आपको। कितना मिलेगा? वो फंड के ऊपर डिपेंड करता है, कितना फंड है आपका। 7,80,000 रुपये है। 7,80,000। हाँ टोटल उसमें नहीं, टोटल मतलब ये पेंशन के लिए बचेगा या इसमें से कुछ रिफंड होगा। उसमें से कुछ रिफंड होगा ना, या 20%? अभी एज हाँ कितना है आपका। जी, एज कितना है। अभी मेरा 32 है, 86 डेट ऑफ बर्थ है थर्टी टू मेरा। है तो ये 7,80,000 में से 20% आपको रिटर्न होगा। हाँ ठीक है, हाँ और रिमेनिंग जो रहेगा वो हाँ पेंशन में जाएगा। तो पेंशन तो कितना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ 6,24,000 बचता है आपका। हाँ और 32 की एज में आपको 3,300 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पेंशन आता है पर महीना। हर महीना, इमिजिएटली स्टार्ट होगा ये। ठीक हाँ है, हाँ और ये आपका जो 6,24,000 ये सेफ रखा रहेगा, ये आपके बाद, आपके डेथ के बाद आपके नॉमिनी को वापस होगा। वो अगर वो डेथ हो गए तो वो हो गया था, नॉमिनी चेंज कर सकते हैं आप। नॉमिनी, अगर बच्चे नहीं है, क्या बच्चा नहीं है ना? बच्चा, हाँ, तो किसी न किसी को मिलेगा जो भी आपके बाद होगा ना। नहीं ऐसा ऐसे थोड़ी होता सर, जब हम जिंदा में पैसा नहीं तो मरने के बाद क्या क्या करना पैसा को? नहीं, ये आपके ऊपर नहीं है सर। एनपीएस का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ है कि इससे पेंशन लेना चाहिए। अगर ये पूरा रिफंड दे देंगे हाँ तो इस स्कीम का मतलब नहीं है ना, नहीं गवर्नमेंट ने सर, इसको बनाया ही ऐसा है। वो तो ठीक है, लेकिन हम पेंशन चाहिए नहीं है ना। नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही रखा रहेगा। ये आपको वापस नहीं होगा किसी भी हालत में। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है ना एनपीएस पेंशन का। लेकिन सर मेरे 6 लाख उसमें वो पैसा कब मिलेगा वो पेंशन ये सर? आपको नहीं, मिलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगा ये। वो किस किस कारण से? अरे सर, ये एनपीएस का फंड है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम का फंड है, तो पेंशन इज कंपलसरी। अच्छा, ठीक है, मतलब जैसे पीएफ के पैसा पूरा मिल जाता है, ग्रेच्युटी पूरा मिलता है, हाँ, एनपीएस से पेंशन बनता है, एनपीएस से पेंशन कंपलसरी है, लेकिन मैंने ये वापस जो नहीं होता है ये, क्योंकि आपका ऑफिस नहीं पेंशन देता है, ये एनपीएस के अंतर्गत आता है पेंशन। नहीं सर, मैं ये बोल रहा सर, मैंने अपना तनख्वाह से इतना पैसा भरा दिया, ठीक है, एनपीएस से कटवा इतना दिया, नहीं भरवाया, इसमें आपके ऑफिस में भी पैसा डाला हुआ है, ये टोटल क्लब्ड फंड है ये। ठीक अच्छा है, तो ये एंटायर फंड आपका नहीं है, आपके ऑफिस का भी हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें है। हाँ, इसमें है। अच्छा इसीलिए ये फंड से पेंशन बनता है, पूरा वापस नहीं होता। ये सर कितना मिलेगा हर महीना? 3,000? 3,300 रुपया 3,000 जब तक मैं ये नहीं जब हो तक तब आप तक? जिंदा है आपको मिलेगा, और डेथ के बाद पूरा 6,24,000 पूरा नॉमिनी को वापस होगा, डेथ के बाद पूरा 6,24,000 नॉमिनी को होगा, नॉमिनी को वापस होगा। उसको उसको भी पेंशन मिलेगा ना ऐसे ही? नहीं, जब फंड वापस हो जाएगा तो क्यों पेंशन मिलेगा। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, उनको पूरा पैसा वापस दे देंगे, उनको पेंशन देने का भी ऑप्शन है। सर अगर मान लीजिए सर, मैं 20 साल पूरा सर्विस कर लिया मान लीजिए, ठीक है, हाँ, उस टाइम भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा? आप 60 ईयर के भी हो जाएंगे तो भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पेंशन कंपलसरी है। सर ये तो गलत है सर। नहीं, गलत तो, ये तो गवर्नमेंट का रूल है ना, हाँ वो तो है, गवर्नमेंट रूल है, लेकिन कोई ये हमने तो थोड़ी बनाया, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। गवर्नमेंट ने एलआईसी को एमपैनल कर रखा है पेंशन के लिए, है हाँ, अभी फंड गवर्नमेंट के पास ही है, आप फॉर्म भर के दोगे तब क्योंकि एलआईसी सर अभी ट्रांसफर। 2004 का बाद जो भी बढ़ती है उनको तो पेंशन नहीं है। हाँ, तो हाँ उनको ये एनपीएस का पेंशन है ना, यही पेंशन मिलेगा उनको, और आपको नहीं, हमको भी वैसा ही मिलेगा। मैं भी जब रिटायर हूंगा तो मुझे ऐसा ही पेंशन लेना है। जब 20 साल के बाद कितना मिलेगा सर पेंशन? पेंशन का साल से मतलब नहीं है, फंड से मतलब है। हाँ मतलब 15 लाख कितना का होगा, आप 20 साल के बाद बताइए कितना फंड रहेगा आपका। इसका डबल हो जाएगा सर, तो इसका डबल है तो पेंशन डबल हो जाएगा, 6,000 रुपये मिलेगा छह हजार मिलेगा। सर। ये तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत गलत कर दिया ना।
सर ये तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पॉलिसी है जो फॉलो करना है आपको भी हमको भी। अभी आपको आगे लेना है तो प्रोसेस करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आइडल पड़ा रहेगा। एटलीस्ट अभी आपको मंथली 3,300 रुपये मिल रहा है, ईयरली आपको 41,000 रुपीज आपको मिलेगा, वो भी आप लूज करेंगे ना। आप ईयरली लेते हैं तो 41,000 आपको मिलता है एवरी ईयर, उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करिए आप। ईयरली मिलेगा, ये ईयरली भी ले सकते हैं, ऑप्शन है उसमें, मंथली लीजिए ईयरली लीजिए। अभी पहले बार कितना मिलेगा, मैं अभी लेना चाहता हूँ ईयरली में। हाँ ईयरली में आएगा 41,000। अभी पहले बार 41,000 मिलेगा या और एक साल? एवरी ईयर 41,000 आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग। जी सर मैं अभी ये कह रहा हूँ सर, मैंने अप्रैल पहले तारीख से मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ अप्रैल तो पहले तारीख मेरे 41,000 मिलेगा? अप्रैल का पहले नहीं मिलेगा, एक साल बाद मिलता है। मंथली लेंगे तो 1 मंथ के बाद मिलता है, ईयरली लेंगे तो 1 ईयर के बाद मिलता है। 1 ईयर के बाद मिलेगा? हाँ आप अप्रैल में लेंगे मंथली मोड तो मई में पहला पेंशन आ जाएगा। सर मुझे ईयरली चाहिए सर पैसा। ईयरली लीजिए ना, कोई बात नहीं, फॉर्म भर के भेजिए ना पहले। अच्छा अभी ये जो मैं भरने के बाद कितने दिन के बाद मिलेगा सर, जो अभी 20%? 4 से 5 दिन में पूरा हो जाता है। फॉर्म आने के बाद 5 दिन में कम्प्लीट हो जाता है केस। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन, पॉलिसी बन जाएगा आपका और नेक्स्ट मंथ से या ईयर से आपको आने लगेगा। सर हम इसमें कोर्ट केस नहीं डाल सकते क्या? डालिए ना, लोगों ने डाला हुआ है। हाँ इसमें कुछ होता नहीं है क्योंकि ये तो आपका इसमें असेंबली में पास है ना, गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है। वो तो किया सर, लेकिन इसमें ऑप्शन से बोला है हमें पेंशन नहीं चाहिए, पूरा फंड चाहिए, ये है इसमें। कहाँ है ऐसा सर? कहाँ लिखा हुआ है कि पूरा फंड मिले? नहीं सर हमें अप्लाई कर रहे हैं ना अभी, हमने अपील कर रहा है। आपके लिखने से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा सीधा है। अच्छा ठीक है, जो जो रूल है वो तो फॉलो करना है ना। अभी आप ये बताओ मुझे, अगर आपका डिपार्टमेंट आपको पेंशन दे रहा होता तो मंथली पेंशन देता ना, कि आप मुझे आप उनको बोल देते मुझे 15 साल का एक साथ दे दो, इज इट पॉसिबल? आपने 15 साल सैलरी लिया है तो मंथली सैलरी लिया ना? नहीं सर, जॉब में लगे थे तो पूरा 15 साल का सैलरी वन टाइम में ले लिया आपने। हाँ तो इट इज द सेम केस ना सर, हमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर 20 साल करने के बाद कम से कम 30-40। सर गलत बोल रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप 20 साल के बाद क्या 40 साल के बाद भी लोगे तो पेंशन इज कम्पल्सरी, आपका 20 साल का पेंशन का लॉस हो जाएगा 20 साल रुकोगे तो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, चालू होना है वो 20 साल बाद चालू होगा। लेकिन सर ये सर्विस करने का फायदा क्या है, ये तो ये भी पूरी रकम में नहीं मिलेगा सर, तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता आपको, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी अभी 2004 से पहले है उनको जीपीएफ में काटता, जीपीएफ में जो भी पैसा सर मिल जाता है 2004 के पहले, बाद वालों को तो सभी को कंपलसरी है ना। यू आर नॉट द ओनली पर्सन, ऑल इंडिया में ये हो रहा है। नहीं ऑल इंडिया, रिटायर होऊंगा तो मेरा भी ऐसा ही होगा। इसके लिए कोई ये नहीं है? कोई ये नहीं है सर, हम इसी पैसे का दूसरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकता, उसका पूरा पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना के रखा है, जैसा उन्होंने प्रोसीजर दिया है वो फॉलो करना है आपको भी हमको भी। अच्छा ठीक है, डिले करने से लॉस होगा और कुछ नहीं है आपका। वही सर, डिले करने से और लॉस है क्योंकि हम क्या तनखा के लिए सर्विस कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई क्या सही है कि नहीं? ठीक है देखिए, आप फॉर्म मिला है आपको? फॉर्म नहीं मिला सर। अच्छा बोलो, ईमेल आईडी बोलो, मैं भेजता हूँ आपको, लगे तो आप भेजना, नहीं तो आप आइडल पड़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गानगर 41। हाँ स्पेलिंग बोलो। GANIGER GANIGER हाँ 41 @gmail.com। हाँ चलो मैंने भेज दिया, आप चेक कर लो मेल पूरा डिटेल। लेकिन सर मेरे हम आपस की बात है, लेकिन हम लोग सर्विस कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारा तनखा के लिए हम लोग सर्विस कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट बोल रही है यही तनखा है आपकी, रिटायरमेंट के बाद आपकी यही तनखा है, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है, आप क्या करोगे उसमें? अभी नौकरी करना क्या फायदा है इसमें? कोई फायदा नहीं है, आप सही बोल रहे हो, बस यही हमारा दिन भर कमाओ और जमा कर लो और ये 7 साल के बाद पैसे मिलेगा बस, यही है अभी, कुछ कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता सर। ठीक है, देख लो मेल भेज दिया, देख लीजिए। जी जी ओके।